सबसे अधिक विस्मृति सामवेद की है, हजार इसकी शाखाएं थी। आज कुछ लोग कहते केवल तीन है, कुछ लोग कहते 11 है, 11 के ऊपर कोई नहीं जाता। कौथुमीय, राणायणीय, जैमिनीय ऐसी शाखाएं हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा पहले वेदों का है। जैसे राणायणीय शाखा में जो ऋचाएं हैं 1549 ऋग्वेद से ली और केवल 75 सामवेद की अपनी। सामवेद की और एक विशेषता है, भारतीय संगीत का उद्गम उसमें है। वेदों को गाते समय तीन स्वरों का उपयोग करते हैं, एक सामान्य स्वर है जिस स्वर में हम बोलते हैं, एक उससे नीचा स्वर है, एक ऊपर का स्वर है, उदात्त जो हम बोल रहे हैं, अनुदात्त नीचे का, स्वरित हम जो बोल रहे हैं, अनुदात्त नीचे का है और उदात्त ऊपर का है। इन तीन स्वरों की अनुभूति से सात स्वरों का सप्तक समझ में आया, उस सप्तकों के कारण ग्राम रचना का संगीत आया, ग्राम रचना के कारण हमारे यहाँ ध्रुपद गायन आया। डागर बंधु जिस गायन के विशेषज्ञ हैं, ये ध्रुपद गायन है, उसके आधार पर सारा राग संगीत है। तो भारतीय संगीत का और सप्त स्वरों की कहे तो दुनिया भर के संगीत में जो सात स्वर है उसका उगम इसमें है। तो ये दोनों बातें 1549 ऋचाए ऋग्वेद की, सामवेद की अपनी 75। तो ऐसा लगता है, ये जानकारी लेने के बाद, मैं अध्ययन से नहीं बोल रहा हूं, ये सुनाई दिया तो लगता है कि तीनों इसके पहले के वेदों का सारांश सामवेद में है। और दूसरी बात कि ये संगीत के रस से भरपूर है, संवेदना से भरपूर है। शायद सरस सारांश होने के कारण भगवान ने वेदानाम सामवेदोस्मि ऐसा कहा होगा।